शब्दावली, कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, स्वयं अपने अनुभव या व्यवहार के लिए कर्ता और दूसरे व्यक्ति प्रेक्षक के उसी अनुभव या व्यवहार के लिए अलग अलग गुण रोपण करने की प्रवृत्ति, अनुकूल एडॉप्शन एडॉप्शन, संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्यों में वृद्धि करता है, आक्रमण एग्रीएशन, शारीरिक या शाब्दिक तौर पर किसी को चोट पहुंचाने के आशय से किया गया व्यवहार, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु की गुणवत्ता का निम्नीकरण, सचेत प्रतिक्रिया, आर्मर रिएक्शन, सामान्य अनुकूल संलक्षण की पहली अवस्था जिसमें अधिविक्रिय और अनुकंपीय क्रिया के जरिए ऊर्जा के सक्रियण द्वारा अपापाती प्रतिक्रिया होती है। विसंबंधन एलिनिटेशंस, किसी समाज या समूह का अंग न होने की भावना। गुदी अवस्था, एनल स्टेज प्रायड द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्थाओं में दूसरी, जो शिशु के दूसरे वर्ष में घटित होती है। इसमें सुख की प्रतीति गुदा पर और मल के प्रतिधारण और निष्कासन पर केंद्रित रहता है। क्षुधा अभाव, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऐसे विकार जिसमें शारीरिक वजन में अत्यधिक कमी निहित है और इसमें वजन बढ़ने या मोटा होने की तीव्र भय उत्पन्न होती है। समाज विरोधी व्यक्तित्व, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ऐसा व्यवहार जिसका व्यवहार विकार जिसमें पलायन निवृत्ति, अपराधीशील शीलता, स्वैरिता, चोरी, विध्वंसकारिता, लड़ना, सामान्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन, खराब काम का इतिहास, आवेगशीलता, अविवेक, आक्रामकता, दुशासी व्यवहार तथा आगे की योजना बनाने की अयोग्यता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ऐसे व्यवहार का विशिष्ट स्वरूप अलग अलग होता है। दुश्चिंता एनएक्सटी, मानसिक व्यथा की एक दशा जिसमें भय, आशंका और शारीरिक क्रिया, भाव, प्रबोधन या उद्वेलन पाया जाता है। दुश्चिंता विकार, एनएक्सटी डिसऑर्डर, ऐसे विकार जिसमें दुश्चिंता ही प्रमुख लक्षण होता है। इस विकार में सुभेदता की भावना, आकांक्षा या भय पाया जाता है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी की सिद्धांत की और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के परिणाम स्वरूप मन मस्तिष्क एवं व्यवहार के संबंध में मिले ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, अभिक्षमता एप्टीट्यूड, ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति की प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की सामर्थ्यता का सूचक होता है। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट व्यक्ति के भावी निष्पादन की क्षमता का मापन करने वाली परीक्षण, आग्द प्रारूप आर्चेटाइप्स, सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद, अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने की वाली प्रतिमाएं या प्रतीक, भाव प्रबोधन एरोसुअल, दूसरों के उपस्थिति रहने या निष्पादन के मूल्यांकित होने के विचार से अनुभूत तनाव, अभिवृत्तियां एटीट्यूड, किसी विषय पर मन विचारों या प्रत्ययों की वे स्थितियां जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक होते हैं। अभिवृत्तियां विषय एप्टीट्यूड ऑब्जेक्ट, किसी अभिवृत्ति का लक्ष्य, गुणारोपण एट्रीब्यूशन, अपने अथवा दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उस व्यवहार के कारणों का विवरण देना। सत्ता या प्रभुत्व अथॉरिटी, किसी पद जैसे प्रबंधकीय में निहित अधिकार जिनके आधार पर आदेश देना और उनका पालन किए जाने की अपेक्षा। स्वलीनता वर्ण क्रम विकार, एटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शैशवावस्था में प्रारंभ होने वाली तंत्रिका जन विकार जिनमें अनेक प्रकार की असमानताएं निहित होती हैं, जैसे भाषागत, प्रत्यक्षिक और गतिपरक विकास में न्यूनता, दोषपूर्ण वास्तविकता परीक्षण और सामाजिक विरक्ति आदि। संतुलन बैलेंस अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति पी अथवा और दूसरे व्यक्ति ओ के बीच व्यक्ति पी और अभिवृत्ति विषय एक्स के बीच तथा दूसरे व्यक्ति हो और अभिवृत्ति विषय एक्स के बीच, अभिवृत्तियां एक ही दिशा में होती हैं या तार्किक रूप से एक दूसरे से संगत होती हैं। व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी, ऐसे उपचार जो पद्धति से दुरनुकूल व्यवहार
को परिवर्तित करने के लिए व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के नियमों पर आधारित होते हैं। विश्वास बिलीफ किसी विषय से संबंधित विचारों या प्रत्ययों का संज्ञानात्मक घटक द्विध्रुवी और संबंधित विकार बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, इनमें उन्माद और अवसाद दोनों समाहित होते हैं जो वैकल्पिक रूप से उपस्थित रहते हैं और कभी कभी सामान्य मनोदशा के समय बाधित होते हैं। प्रमुख विशेषक या सील गुण कार्डिनल ट्रायंट आलपोर्ट के अनुसार वह एकल विशेषक जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रमुखता से विद्यमान रहता है। व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी व्यवहार के संबंध में सामान्य सिद्धांत विकसित करने के लिए किसी व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन। केंद्रीय विशेषक या शील गुण सेंट्रल ट्रायंट्स दूसरों के बारे में विचार निर्मित करने के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य विशेषक। अभिवृत्ति और केंद्रीयता सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड वह मात्रा जहाँ तक कोई एक विशिष्ट अभिवृत्ति पूरी अभिवृत्ति व्यवस्था को प्रभावित करती है। स्वार्थ केंद्रीयता रोजर्स का चिकित्सा क्लाइंट सेंट्रेड रोजेंस थेरेपी कार्ल रोजर्स द्वारा विकसित चिकित्सा उपागम जिसमें चिकित्सा सेवार्थी को अपने सही भावनाओं को स्पष्ट करने और वे कौन है उसका मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करता है। सहकार्य को एक्शन ऐसी स्थिति जिसमें बहुत से लोग दूसरों की उपस्थिति में उसी कार्य को करते हैं। संज्ञान कोगनिटेशंस जानने की प्रक्रिया ऐसी मानसिक क्रियाएं जो चिंतन निर्णयन भाषा के उपयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध होती हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम परीक्षणों की एक माला जिसका निर्माण चार आधारभूत पास PAS पास प्रक्रियाओं योजना अवधान सहकालिका अनुक्रमिक का मापन करने के लिए किया गया है। संज्ञानात्मक संगति कोग्निटिव कंसिस्टेंसी ऐसी स्थिति जिसमें विचार या प्रत्यय तार्किक दृष्टि से एक दूसरे के सुसंगत होते हैं। संज्ञानात्मक संगति कोग्निटिव डिसोनेंस किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें दो संज्ञानात्मक तत्व तार्किक दृष्टि से विरोधात्मक या असंगत होते हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा कोग्निटिव थेरेपी विकृति और दुरुनुकूल विचार प्रतिरूपों को परिवर्तित करने पर केंद्रीय चिकित्सा की विधि। सशक्ता को हेनसिव सभी शक्तियां कारक जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने की निमित्त बनती हैं। सामूहिक अचेतन कोलेक्टिव अनक्वेश्चंस कार्ल यूंग द्वारा अभिग्रहित अचेतन का वंशागत अंश वह अचेतन जो सभी मानव से समान रूप से विद्यमान है। संक्रमक या संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज किसी विशिष्ट संक्रामक कारक द्वारा उत्पन्न ऐसी बीमारी जो मनुष्य से मनुष्य में पशु से पशु में या पर्यावरण से मनुष्य या पशु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचरित या अंतरित होती है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन एकाई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो व्यक्तियों या समूहों में परस्पर होड़ उत्पन्न होना। प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता कंपटीशन टॉलरेंस किसी ऐसे स्थिति को सहन करने की योग्यता जिसमें लोगों को भौतिक स्थान आदि बुनियादी संसाधनों तक के लिए बहुत अन्य बहुतों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अनुपालन कंप्लीएंस सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार जिसमें एक या अधिक व्यक्ति प्रभुत्व न रखते हुए भी एक या अधिक व्यक्तियों के सीधे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। घटकीय बुद्धि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत से यह आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने की योग्यता का द्योतक है। द्वंद्व कंप्लीट परस्पर विरोधी अभिप्रेरकों अंतर्नदों आवश्यकताओं या लक्ष्यों से उत्पन्न हुए विक्षोभ या तनाव की दशा। अनुरूपता कन्फर्मिनिटी सामाजिक प्रभाव या प्रभाव का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी अभिवृत्तियों या व्यवहारों में परिवर्तन कर लेते हैं।
सर्वसम अभिवृत्ति परिवर्तन कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड चेंज विद्यमान अभिवृत्ति की ही दिशा में अभिवृत्ति में परिवर्तन संदर्भिक बुद्धि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में यह व्यवहारिक बुद्धि है जिसका उपयोग दैनिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। सामना करना कोपिंग ऐसी मांगों के प्रबंधन का प्रयास करने की प्रक्रिया जो प्रत्यंसाध्य या व्यक्ति के संसाधनों की सीमा का अतिक्रमण करने वाली समझी जाती है। परामर्श या उपबंध काउंसलिंग समायोजन की प्राप्ति में व्यक्ति की सहायता के लिए विविध प्रकार की कार्य विधियों का सम्मान घोतक शब्द है, जैसे सलाह देना, चिकित्सात्मक विचार विमर्श, परीक्षण देना एवं उनकी व्याख्या करना तथा व्यवसायिक सहायता परामर्शी साक्षात्कार काउंसलिंग इंटरव्यू ऐसी साक्षात्कार जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व और व्यवसाय चयन आदि के क्षेत्रों में परामर्श या मार्गदर्शन प्रदान करना है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी विचारों तथा वस्तुओं को उत्पन्न करने की योग्यता तथा समस्या के ऐसे समाधानों को प्रस्तुत करने की योग्यता जिसमें नयापन हो एवं जो उपयुक्त हो। भीड़ प्रोवेडिंग अत्यंत कम समय कम स्थान की मनोवैज्ञानिक अनुभूति अंति संकीर्णता का प्रत्यक्षण भीड़ सहिष्णुता क्रोडिंग टॉलरेंस उच्च सघनता या भीड़ भाड़ वाले पर्यावरण के प्रति मानसिक रूप से समायोजन करने की योग्यता जैसे भीड़ वाले घरों में रहना सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण कल्चर फेयर टेस्ट ऐसी परीक्षण जो परीक्षार्थियों में सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर भी भेदन नहीं करता। रक्षा युक्तियां डिफेंस मैकेनिज्म फ्रायड के अनुसार वे तरीके जिनमें अचेतन रूप से इदम के अस्वीकार्य आवेगों का सफलता से हल करने का प्रयत्न करता है जैसा कि दमन परीक्षण प्रतिक्रिया निर्माण उदारीकरण युक्तिकरण आदि में होता है। संथा विमुक्ति डाइनेस्टिटेशनलिज्म पूर्व मानसिक रोगियों को संस्थाओं में समुदाय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भ्रम शक्ति डिल्यूजन्स विरुद्ध दंगे या प्रभुत्व साक्ष्य होने के बावजूद विद्यमान अतार्किक उलच्छल विश्वास निवर्तिकरण सह अनुभूति लोप विकार डी पर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर ऐसा विच्छेदी या विषाचार विकार जिसमें आत्मा का बोध समाप्त हो जाता है। अवसादी विकार डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर इन विकारों में अवसादी भाव दशा की अद्योति तथा भूख निद्रा और थकान में परिवर्तनों के साथ अधिकांश गतिविधियों में अभिरुचि या आनंद नहीं रह जाता है। रोगोन्मुखता दबाव मॉडल डाइथेसिस स्ट्रेस मॉडल यह दृष्टिकोण की जैविक पूर्व प्रवृत्ति और जीवन के दबाव आदि कारकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई विशिष्ट विकार उत्पन्न हो सकता है। दायित्व विसरण डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यह विचार कि जब अन्य लोग उपस्थित हैं तो किसी कार्य को करने या न करने की उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जा सकता। कार्य करने के लिए दूसरे सदस्य भी उतने ही उत्तरदायी हैं। विपदा डाइजेस्टर विपदा एक अप्रत्याशित और प्राय आकस्मिक घटना है जो किसी समाज की सामान्य दशाओं में विघटित कर देती है तथा व्यापक क्षति विनाश और मानवीय कष्ट उत्पन्न करती है। भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन ऐसा व्यवहार जिसमें यह अनुभव हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रायः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति उनको किसी अन्य विशिष्ट समुदाय का सदस्य होने के आधार पर उसके प्रति विभेद किया जाना। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक आधारभूत सब प्रत्यय एक रक्षा युक्ति। विच्छेदन डिसोसिएशंस चेतना में विखंडन जिसके कारण कुछ विचार भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्रियाशील होते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। अंत इगो व्यक्ति का वह अंश जो इदम और बाह्य जगत के बीच अंतरोधी का कार्य करता है इगो कहलाता है। विद्युत अक्षेपीय चिकित्सा इलेक्ट्रो कन्वुलिसिव थेरेपी ECT सामान्यतः इसे आघात चिकित्सा कहा जाता है।
यह एक ध्रुवीय अवसाद का एक जैविक उपचार है जिसमें रोग के शरीर से इलेक्ट्रोड संलग्न कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, जिससे रोगी को आक्षेप हो जाता है। यह तीव्र अवसाद के रोगियों पर प्रभावी होती है जिन पर औषधि चिकित्सा असफल हो जाती है। संवेगीय बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस जीवन के संवेगीय पक्ष से संबंधित विषयों या योग्यताओं का समूह, जैसे अपने निजी संवेगों की पहचान एवं प्रबंधन करने, दूसरों के संवेगों की पहचान एवं प्रबंधन करने, स्वयं अपने को उत्प्रेरित करने एवं अपने आवेगों को नियंत्रित करने तथा प्रभावी ढंग से अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर व्यवहार करने की योग्यताएं, इसे एक संवेगीय लब्धि प्राप्तांक EQ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तदनुभूति एम्पैथी, एम्पैथी दूसरे की भावनाओं के प्रति एक संवेगी अनुक्रिया करना जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के समान हो। पर्यावरण इन्वायरमेंट किसी जीव को प्रभावित करने वाली और उसके आसपास के परिवेश में व्याप्त भौतिक और सामाजिक व्यवस्था की समग्रता। पर्यावरणीय मनोविज्ञान इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा जो भौतिक जगत और मानव व्यवहार के बीच अंतःक्रिया पर केंद्रित होती है। मूल्यांकन बोध इलुवेशन एप्रिहेंशन एप्रिहेंशन उपस्थित व्यक्तियों श्रोताओं द्वारा नकारात्मक रूप में मूल्यांकित होने का भय। परिश्रांति एक्साइटेशन एक ऐसी दशा जिसमें ऊर्जा संसाधन संसाधन व्यवहार हो चुके रहते हैं तथा अनुक्रियाशीलता घटकर न्यूनतम हो जाती है। झाड़ फूंक या भूत अपसारणा एक्सोटिज्म किसी आत्मग्रता व्यक्ति से दुष्टात्मकताओं या शक्तियों को निकाल भगाने के लिए अविकल्पित धर्म प्रेरित उपचार विधि। अनुभाविक बुद्धि एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के त्रिचाबीय सिद्धांत में पूर्णतः नई समस्याओं का समाधान करने के लिए सृजनात्मक ढंग से विगत अनुभवों के उपयोग की योग्यता। बहिर्मुखता एक्स्ट्रावर्जिन व्यक्तित्व की एक बीमा जिसमें व्यक्ति की अभिरुचि अपने विचारों या भावनाओं की ओर अंतर्मुख न होकर प्राकृतिक या अन्य व्यक्तियों की ओर बहिर्मुखी हो जाती है बहिर्मुखी हो जाती है। अभिवृत्ति की चरम सीमा एक्सट्रीमनेस ऑफ एटीट्यूड तटस्थ बिंदुओं से अभिवृत्ति की अधिकतम दूरी। कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस संबंधों के उपयोग वाली गणितीय प्रक्रिया जिसमें विशेषक पदों या परीक्षण अनुक्रियाओं को गुच्छों या कारकों के रूप में अलग अलग किया जाता है। इसका उपयोग मूल व्यक्तित्व विशेषकों का पता लगाने के लिए अविकल्पित परीक्षणों के विकास में किया जाता है। तरल बुद्धि फ्लूड इंटेलिजेंस जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने, अमूर्त रूप से तर्क करने तथा समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। मुक्त सहचार्य फ्री एसोसिएशन एक मनोवैज्ञानिक तकनीकी जिसमें रोगी मन में आए हुए किसी विचार, भावना या प्रतिमा या शाब्दिक वर्णन करता है, भले ही वह महत्वहीन क्यों न प्रतीत हो। मूल गुणारोपण त्रुटि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन इरर व्यवहार के लिए बाह्य कारणों की अपेक्षा आंतरिक कारणों का अधिक गुणारोपण करने की प्रवृत्ति। सामान्य अनुकूल लक्षण सलक्षण जनरल एडप्शन सिंड्रोम्स GAS जिसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। सचेत अवस्थाएं जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को अग्रसर करती हैं, प्रतिरोध अवस्थाएं जिसमें जीव संकट का सामना करने का प्रयत्न करता है, तथा परिश्रांति अवस्था जो तब घटित होती है जब जीव संकट पर विजय पाने में असफल रहता है तथा सारी क्रियात्मक संसाधनों को निशेष कर देता है। अनुवांशिक जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों में जीनों की गुणता स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा गेस्टाल्ट थेरेपी चिकित्सा का एक ऐसा उद्गम जो सेवार्थी के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को एक एकीकृत संपूर्ण में समाकलित करने का प्रयास करता है। सौ कारक जी फैक्टर बुद्धि की सभी अभिव्यक्तियों में निहित मूल बौद्धिक क्षमता का संकेत देने वाला सामान्य बुद्धि कारक है। समूह ग्रुप दो या अधिक व्यक्ति जो एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं, साझा लक्ष्य रखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा अपने को एक ही समूह का सदस्य समझते हैं। समूह परीक्षण ग्रुप टेस्ट वैयक्तिक परीक्षण के विपरीत एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों को देने के लिए अविकल्पित परीक्षण समूह चिंतन ग्रुप थिंकिंग
चिंतन करने का एक ढंग जिसमें सर्वसम्मत सहमति पर पहुंचने की इच्छा उचित तार्किक और निर्णयकारी प्रक्रियाओं में हावी हो जाती है। समूह ध्रुवीकरण का एक उदाहरण विभ्रांति हेलुसिनेशंस, एक मिथ्या प्रत्यक्षण जिसमें संगत और उपयुक्त वस्तुओं के दर्शनीय उद्दीपक के रूप में न रहने पर भी वस्तु की वास्तविकता पर बाध्यकारी बोध होता है। यह एक असामान्य गोचर है। परिवेश प्रभाव हेलो इफेक्ट सकारात्मक गुणों को अन्य सकारात्मक गुणों के साथ जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है संबंध करने की प्रवृत्ति, दृढ़ता, हार्डनेस या अपने बारे में, जगत के बारे में और इनकी अंतःक्रियाओं के संबंध में विश्वासों का एक समुच्चय आवलिक सेट है। इसकी तीन विशेषताएं होती हैं, प्रतिबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती। सम स्थिति हेमोस्टेसिस शरीर के भीतर शरीर क्रियात्मक संतुलन की दशा, मानवतावादी उपगम ह्यूमेनिटिस्ट अप्रोच वह सिद्धांत जिसमें लोग मूलतः अच्छे होते हैं और कार्यशीलता के उच्चतर स्तर की ओर विकसित होने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मानवतावादी चिकित्सा ह्यूमनिस्टिक थेरेपी ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें निहित अभिग्रह यह कि लोगों का अपने व्यवहार पर नियंत्रण होता है, वे स्वयं अपने जीवन के संबंध में चयन कर सकते हैं और अनिवार्य रूप से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्वकाय दुश्चिंता रोग हाइपोडायनिसिस एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें व्यक्ति चिकित्सकों के बारे में किसी बीमारी के न होने का आश्वासन दिए जाने के उपरांत भी शारीरिक प्रक्रियाओं के विषय में सोचता रहता है और काल्पनिक बीमारियों के भय से ग्रस्त रहता है। इदम या इड आईडी प्रयाड के अनुसार मानस का वह आवेगी या अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्ति अंतर्नादों के प्रत्योषण की ओर सूखे सा सिद्धांत के माध्यम से क्रियाशील होता है। इड ही वास्तविक अचेतन या मानस का गहनतम अंश समझा जाता है। आदर्श अहम आइडियल सेल्फ जिस प्रकार का व्यक्ति हम बनना चाहेंगे इसे अहम मार्गदर्श या आदर्शकृत आत्मबिंब भी कहा जाता है। तदात्मीकरण या तदात्मय आइडेंटिफिकेशन सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक पसंद करने या अधिक सम्मान देने के फलस्वरूप अपने को उस व्यक्ति की तरह समझने महसूस करने की प्रक्रिया। अनन्यता आइडेंटिटी किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण हमें से हर एक कौन है, हमारी क्या भूमिकाएं हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। विसंगति अभिवृत्ति परिवर्तन इनकोग्रेंट एटीट्यूड चेंज विद्यमान वर्तमान अभिवृत्ति से विपरीत दिशा में अभिवृत्ति परिवर्तन। व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंस लोगों की विशेषताओं और व्यवहार के स्वरूपों की स्पष्ट विविधताएं और भिन्नताएं। वैयक्तिक परीक्षण इंडिविजुअल टेस्ट ऐसा परीक्षण जो विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एक समय में किसी एक अकेले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बिने और विश्लेषण बुद्धि परीक्षण वैयक्तिक परीक्षणों के उदाहरण है। औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक उप शाखा जो व्यक्ति और उसके कार्यों के बीच संबंधों पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। समकालीन संदर्भ में महत्व औद्योगिक मनोविज्ञान में संगठनात्मक परिवर्तन मनोविज्ञान की ओर खिसक गया जिसमें औद्योगिक और अन्य सभी संगठन सम्मिलित हैं। हीनता मनोग्रंथि इनफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स एडलर के अनुसार प्रो व्यक्तियों में विकसित हीनता की वह भावना जिसका कारण यह होता है कि वे अपने बचपन की अवधि में जब वे छोटे थे और दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सीमित था उत्पन्न हीनता की भावना पर नियंत्रण नहीं पा सके हैं। अंतः समूह इन ग्रुप ऐसी सामाजिक समूह जिसे कोई व्यक्ति अपना समूह समझता है और उससे जुड़ता रहता है। हम वह समूह जिससे कोई व्यक्ति तदात्म्य स्थापित करता है और अन्य समूह जिसके लिए बाह्य समूह है। नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य इंस्ट्रूमेंटल प्रस्पेक्टिव ऐसे उपागम है जो सुझाव देता है कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व मुख्यतः मनुष्यों के सुख और कल्याण के हेतु उपयोग के लिए।
है बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बुद्धि की औसत से भी कम कार्यशीलता तथा उसके साथ की अनुकूली व्यवहार में अनेक कोटि की न्यूनताओं की विद्यमानता। बौद्धिक प्रतिभाशीलता इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस विविध प्रकार के कृतियों में श्रेष्ठ निष्पादन के रूप में प्रदर्शित असाधारण सामान्यतः बौद्धिक क्षमता बुद्धि इंटेलिजेंस चुनौतियों का सामना करते समय संसाधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करने स्वविवेक चिंतन और जगत को समझने की क्षमता। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट आईक्यू कला नुक्रमिक आयु से मानसिक आयु की अनुपात इंगित करने वाला मानकृत बुद्धि परीक्षण से प्राप्त एक सूचक। बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट किसी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर मापने के लिए अभिकल्पित परीक्षण। अभिरुचि इंटरेस्ट एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता। साक्षात्कार इंटरव्यू किसी उत्तरदाता के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए उस उत्तरदाता और शोधकर्ता के बीच शाब्दिक अंतःक्रिया। अंतर्मुखता इंटरवर्जिन व्यक्तित्व की एक बीमा जिसमें अभिरुचियां बाहर बहिर्मुखी के बजाय अंदर की ओर उन्मुख होती हैं। सत्य का आधार केनियल ऑफ ट्रूथ समूहों के बारे में विश्वासों के अति सामान्यकृत समुचे रूढ़ धारणाओं में प्रत्यक्षित किया जा सकने वाला सत्य का सूक्ष्म तत्व। काम प्रसूति काल लिटरेंसी पीरियड फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं के सिद्धांत में लैंगिक अवस्था और परिपक्वता जननांगीय अवस्था के बीच की अवधि 4 से 5 की आयु से लेकर 12 की आयु तक जिसमें काम के प्रति कम अभिरुचि रहती है। काम शक्ति या लिबिडो फ्राइड के इस पद को प्रस्तावित किया। फ्राइड की विचारधारा में लिबिडो काम मुक्ता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मात्र थी। जीवन कौशल लाइफ स्किल अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यता जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ प्रभावी सचमंजस स्थापित करने में सामर्थ्य बनाती है। जीवन शैली लाइफ स्टाइल सामान्यतः मनोविज्ञान के संदर्भ में व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाले निर्णयों एवं व्यवहारों का समग्र प्रतिरूप। ध्यान मेडिटेशन अपनी एकाग्रता को अंतर्मुखी करने और चेतना की परिवर्तित अवस्था को प्राप्त करने की तकनीकी मानसिक आयु मेंटल एज MA आयु के रूप में अभिव्यक्ति बौद्धिक कार्यशीलता का मापक आवश्यकताएं मेंटल नीड्स आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शीर्षस्थ आवश्यकताएं जैसे आत्मसिद्धि आत्मसम्मान सौंदर्य परख आदि जिनकी संतुष्टि निम्नतम क्रम की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद ही की जा सकती है। मॉडलिंग या प्रतिरूपण मॉडलिंग अधिगम की एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों को देखकर और उनकी अनुकरण करके अनुक्रियाएँ अर्जित करता है। तंत्रिका जन विकार न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विकारों की एक विशेषता है कि इनके अभिलक्षण विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होते हैं। ये विकार व्यक्ति के वैयक्तिक सामाजिक शैक्षिक और व्यवसायिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। भावदशा विकार मूड डिसऑर्डर किसी व्यक्ति की संवेगिक अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले विकार जिसमें अवसाद और द्विध्रुवीय विकार भी शामिल है। तंत्रिकीय संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक जो अभिग्राही तंत्रिका कोशिका के पार्श्व तंतु को तंत्रिका कोशिका संधि की दिशा में संदेश देते हैं। शोर नॉइज एक अवांछित ध्वनि जो नकारात्मक भावना उत्पन्न अनुक्रिया उत्पन्न करती है। प्रसामान्य संभाव्यता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सममितीय घंटाकार आवृत्ति वितरण अधिकांशतः प्राप्तांक मध्य में पाए जाते हैं और दोनों छोरों की ओर समानुपातिक ढंग से कम होते जाते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं इसी रूप में वितरित होती है। मानक नॉर्म्स परीक्षण निष्पादन के मानक जो
अन्य परीक्षार्थियों उसी परीक्षण के प्राप्तांकों के साथ किसी एक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की तुलना का आधार प्रदान करते हैं। आज्ञा पालन ओबीडियंस दूसरों के आदेशों का प्रतिक्रिया में व्यवहार की पुष्टि करना परीक्षण प्रणाली ऑब्जर्वेशनल मेथड बिना किसी कारक को प्रस्थित किए स्वाभाविक सहज ढंग से घटित होने वाले गोचर क्या किसी शोधकर्ता द्वारा परीक्षण करने की विधि मनोग्रासित बाध्यता विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा विकार जिसमें बाध्यताओं या मनोग्रस्तियों के लक्षण पाए जाते हैं। इंडिपस मनोग्रंथि ओंडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रायड द्वारा प्रदत्त स्वप्रत्ययों जिसमें किशोर अपने लिंग के माता पिता का स्थान लेने की तथा विपरीत लिंग के माता पिता का वही स्नेह पाने की उत्कृष्ट इच्छाएं इच्छा विकसित कर लेता है। आशावाद ऑप्टिज्म सुखद अनुभवों को प्राप्त करने याद रखने तथा उनकी प्रत्याशा करने की प्रवृत्ति बाह्य समूह ऑटो ग्रुप व्यक्ति जिसे समूह या सदस्य का सदस्य नहीं है वह समूह शांति पीस वह अपने संगी साथी मनुष्यों और पर्यावरण के प्रति शत्रुता का भाव तथा समरसता की अभिव्यक्ति निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट ऐसी परीक्षण जिसमें भाषा की भूमिका न्यूनतम होती है क्योंकि उस कृति में वाचिक अनुक्रियाओं की अपेक्षा प्रकट गद्यात्मक या पेशी अनुक्रियाएं की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत अनन्यता पर्सनल आइडेंटिटी किसी व्यक्ति की सबसे अलग सबसे भिन्न प्राणी के रूप में पहचान व्यक्तिगत स्थान पर्सनल स्पेस किसी व्यक्ति के आसपास का वह छोटा सा स्थान जिसे वह निजी या व्यक्तिगत समझता है और अतिक्रमण होने पर धमकी या अप्रसन्नता का अनुभव करता है। अनन्यता प्रेजेंटेबिलिटी वह स्तर या मात्रा जहाँ तक लोगों को उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करने के लिए सहमत किया जा सकता है। लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज फ्रायड की मनोलैंगिक अवस्था में तीसरी अवस्था लगभग 5 वर्ष की आयु में जब सुख का अनुभव जननांगों में केंद्रीय होता है और बालक व बालिका दोनों इंडिपस मनोग्रंथि का अनुभव करते हैं। दुर्भीति फोबिया जिसमें व्यक्ति को अत्यंत कम या बिल्कुल खतरा नहीं रहता ऐसी किसी विशेष वस्तु या स्थिति का प्रबल सतत या तर्कहीन भय भौतिक पर्यावरण फिजिकल इन्वायरमेंट वह प्राकृतिक है जिसमें जलवायु वायु जल तापमान वनस्पति जाति और प्राणी जाति सभी समाहित हैं। योजना या नियोजन प्लानिंग 10 के बुद्धि के पास PAS पास मॉडल में नियोजन में लक्ष्य निर्धारित करना युक्ति का चयन तथा लक्ष्योन्मुखता का अनुवीक्षण आदि निहित है। सकारात्मक व्यवस्था पॉजिटिविटी हेल्थ इसमें एक स्वास्थ्य शरीर अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध जीवन में सहोदस्यता की भावना और दबाव अभिघात तथा परिवर्तन के प्रति सहायता निहित होते हैं। अभिघात उत्तर दबाव विकार पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भूकंप या बाढ़ जैसी विपदा के पश्चात लोगों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के प्रतिरूप जिनमें दुश्चिंता प्रतिक्रियाएं तनाव दुस्वप्न तथा अवसाद आदि सम्मिलित होते हैं। निर्धनता पॉवर्टी यह आर्थिक वंचन है इसका संबंध कम आय भूख निम्न जाति या वर्ग निरक्षरता निम्न स्तर के आवास भीड़ भाड़ सार्वजनिक सुविधाओं की कमी कुपोषण और अल्प पोषण तथा बीमारियों की प्रबल आशंका आदि से होता है। निर्धनता उपशमन पॉवर्टी एलिवेटेशंस निर्धनता को कम करने के लिए किए गए उपाय या कार्यक्रम पूर्वाग्रह प्रिजुडिसी सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति वाला ऐसा पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है और प्रायः किसी समूह के विरुद्ध होता है। प्रथम प्रभाव प्राइमरी इफेक्ट पहले प्राप्त होने वाली सूचना का की प्रबल भूमिका प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप वो समूह जिसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं और जिसमें सभी सदस्य कम से कम किसी अवसर पर आपस में मिलते रहते हैं। समस्या समाधान व्यवहार प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर किसी प्राणी और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के बीच आने वाली भौतिक या प्रत्यात्मक बाधाओं को दूर करने में निहित क्रियाकलाप और मानसिक क्रिया प्रक्रियाएं पर्यावरण उन्मुख व्यवहार प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियरल पर्यावरण की रक्षा के प्रति मानुषियों की तत्परता और उनके क्रियाकलापों की
पर्यावरण उन्मुख व्यवहार है, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन एक रक्षा युक्ति, स्वयं अपने विशेषकों अभिवृत्तियों या आत्मनिष्ठा प्रक्रियाओं का अनजाने ही दूसरों पर गुणारोपण करने की प्रक्रिया प्रक्षेपीय तकनीकी प्रोजेक्टिव तकनीक। किसी व्यक्ति का अपने संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है या वह उसमें रहकर किस प्रकार व्यवहार करता है, इस संबंध में उसके लक्षण विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पष्ट अनेकार्थी असंचरित उद्दीपक विषयों अथवा स्थितियों का उपयोग। समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार प्रोसोशियल बिहेवियर बिना किसी बाहरी दबाव के और बिना किसी पुरस्कार या प्रतिफल के प्रत्याशा के दूसरे की भलाई के लिए किया गया व्यवहार। अग्ररूप प्रोटोटाइप किसी श्रेणी के रूप में एक अवंती योजना जो किसी वस्तु या व्यक्ति की सभी संभावित गुणवत्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हो। सन्निधि प्रोजेक्टिविटी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत की चिंतन निकट रहने वाले उद्दीपक एक समूह के रूप में प्रत्याशित होते हैं। मनोगतिक उपागम में साइको डायनामिक अप्रोच एक उपागम है जो अभिप्रेरकों या अंतर्नोदों के अनुसार व्यवहार की व्याख्या करने की प्रयास करता है। मनोगतिक चिकित्सा साइको डायनामिक थेरेपी सर्वप्रथम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित यह चिकित्सा इस आधारित पर आश्रित है आधारिका पर आश्रित है कि अपसामान्य मान व्यवहार के मूल स्रोत अनसुलझे विगत अंतर्द्वंद होते हैं और इसका संभावना रहती है कि अस्वीकार्य कार्य चेतन आवेग चेतन में प्रवेश करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकली टेस्ट किसी व्यक्ति के मानसिक और व्यवहार परक विशेषकों का मापन करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत उपकरण। इसका उपयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा लोगों को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने तथा अपने बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। मन स्वतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान साइकोलॉजिकल न्यूरो इमुनोलॉजी अनुकूलन की व्यवहारात्मक तंत्रिका तंत्र स्रावी तथा प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के मध्य अंतःक्रियाएं मन सी चिकित्सा साइकोथेरेपी मानसिक मनोवैज्ञानिक विकार या कुसुम योजना के उपचार में किसी मनोवैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग। संवेग तर्क चिकित्सा रेशनल इमोशन थेरेपी REET एल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित एक चिकित्सा पद्धति। यह तर्कविहीन समस्या उत्पादन दृष्टिकोण के स्थान पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। युक्तिकरण रेशनलाइजेशन यह एक रक्षा युक्ति जो तब घटित होती है जब व्यक्ति अपनी असफलताओं या कमियों की व्याख्या अधिक स्वीकार्य कारणों या गुणारोपित कार्य करके करता है। प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन एक रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति किसी अनुमोदित अभिप्रेरक के प्रतिकूल अभिप्रेरक को सशक्त अभिव्यक्ति देकर उस अभिप्रेरक को नकारता है। असन्यता प्रभाव रिसेंसी इफेक्ट सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका। प्रतिगमन रेग्रेशन एक रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की किसी पूर्व अवस्था के व्यवहार को अपना लेता है। यह पद सांख्यिकी में भी प्रयुक्त होता है जहाँ सह संबंधों की सहायता से पूर्व कथन किया जाता है। पुनर्स्थापन या पुनर्वास रिहैबिलिटेशन किसी बीमारी या आपराधिक घटना के उपरांत व्यक्ति को सामान्य या यथासंभव संतोषजनक स्थिति में स्थापित करना। विश्रांति प्रशिक्षण रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एक प्रक्रिया जिसमें स्वार्थी को अपने शरीर के सारे तनाव को निर्मुक्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दमन रिप्रेशन एक ऐसी सुरक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति सभी अस्वीकार्य दुश्चिंताकारी विचारों और आवेगों का प्रत्यक्ष सामना करने से बचने के लिए अचेतन में ढकेल देता है। स्थिति स्थापन रिसाइलेंस चुनौतीपूर्ण जीवन दशाओं में भी सकारात्मक समायोजन बनाए रखना। प्रतिरोध रेजिस्टेंस मनोविश्लेषण में रोगी द्वारा उपचार को अवरुद्ध करने के लिए किया गया प्रयास। भूमिकाएं रोल्स सामाजिक
मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सप्रत्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा समाज में अपनी स्थिति या हैसियत के अनुरूप किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार को इंगित करता है। बलि का बकरा बनना, स्केप गोटिंग, किसी गलत या अनुचित कार्य के लिए किसी समूह पर दोष आरोपण करना, क्योंकि वह समूह आरोप से अपना बचाव नहीं कर सकता। अवंती योजना, स्कैम, स्कीमा एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञानों को निर्देशित करती है। मनोविदलता, सोचियो फेरनिया, मन अस्थापी प्रतिक्रियाओं का समूह जिसमें समाकलित व्यक्तित्व तो कार्यशीलता विघटित हो जाती है, वास्तविकता से विनिवर्तन, संवेगीय अवरोध तथा विरूपण एवं विचार व व्यवहार विशुद्ध हो जाता है। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्यूटिलाइजेशन, आत्मसंपूर्णता की दशा जिसमें व्यक्ति अपने उच्चतम संभावित लक्ष्यों को अपने अपने विशिष्ट तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने अभिप्रेरकों, विभक्ताओं और परिसीमाओं के प्रति अंतर्दृष्ट, आत्म क्षमता, सेल्फ इफिशियंसी, अपनी निजी प्रभाविकता के बारे में व्यक्ति के विश्वास के लिए बंदूरा द्वारा प्रयुक्त शब्द या अप्रत्याशा कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर पूर्ण आधिपत्य कर सकता है तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है। आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, किसी व्यक्ति का अपनी निजी योग्यता के बारे में व्यक्तिगत निर्णय एक सकारात्मक नकारात्मक बीमा पर अपने प्रति स्वयं की अभिवृत्ति, स्वतः साधक भविष्योक्ति, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी, इस ढंग से व्यवहार करना जो दूसरों द्वारा किए गए भविष्य कथन की पुष्टि करता हो। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यह स्वयं अपने व्यवहार का सुयोजन और अनुवीक्षण करने की हमारी योग्यता का उल्लेख करता है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, अत्यंत निम्न स्तर के भौतिक उद्दीपन पर अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति की सरलता या जटिलता, बहुविधता, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटीट्यूड, या तो संपूर्ण अभिवृत्ति में कोई अकेली या बहुत कम या उप अभिवृत्तियां निहित होती हैं, सरल या इसमें अनेक उप अभिवृत्तियां निहित होती हैं, बहुविधि, सहकाली की प्रक्रम, स्मॉल्टेनियस प्रोसेसिंग, पास, PAS पास मॉडल में संज्ञानात्मक प्रकरण जिसमें उद्दीपक स्थिति के तत्वों का सम्मिश्रण एवं सार्थक प्रतिरूपों में समाकलन निहित होता है। स्थितिवाद, स्टूटेनिज्म, वह सिद्धांत जिसके अनुसार व्यक्ति के बाहर की स्थितियों और परिस्थितियों में उसके व्यवहार को प्रभावित करने की स्थिति होती है। सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निटेशन, वे प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं, जिनकी व्याख्या करते हैं, उन्हें याद रखते हैं और बाद में उनका उपयोग करते हैं। ये अन्य लोगों तथा स्वयं को ठीक से समझने में सहायता करती हैं। सामाजिक सुकरीकरण, सोशल फैसिलिटेशन, अन्य लोगों या श्रोतागण की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार करने की लोगों की प्रवृत्ति। सामाजिक अनन्यता या अस्मिता, सोशल आइडेंटिटी, एक व्यक्ति को अपने बारे में यह परिभाषा कि वह कौन है, इसमें विभिन्न समूहों की सदस्यता के साथ साथ व्यक्तिगत गुण, आत्मसप्रत्यय भी सम्मिलित होते हैं। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के कार्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रारोध, सोशल इनहेबिटेशन, किसी आचरण पर सामाजिक संयम या नियंत्रण। सामाजिक स्वराचार, सोशल लॉफिनिंग, किसी समूह में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति यह सोचकर कि दूसरे व्यक्ति कार्य में अपना आयस लगा ही रहे होंगे, अपना स्वयं अपना आयस कम कर लेता है। सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट, किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों से यह ज्ञात होना कि लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी परवाह करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, यह जानकर संचार के जालक्रम और पारस्परिक आभार का अंश होती है। काय रूप विकार, स्मोटो फॉर्म डिसऑर्डर, किसी पहचानने योग्य आंगिकी कारण के न रहते हुए भी शरीर में किसी बीमारी का आवश्यकता के हो जाने की स्थिति। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ऐसी
परिप्रेक्ष्य जो धर्म ग्रंथ के अनुरूप किए जाने वाले कार्य का विशेष रूप से उल्लेख करता है। यह मानुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य का हिमायत करता है। प्रतिष्ठा या हैसियत स्टेटस किसी समूह में सामाजिक श्रेणी क्रम रूढ़ी धारणा स्ट्रो टाइप किसी विशिष्ट समूह के बारे में अति सामान्यकृत और आत्मसात त्यपित आदि प्रारूप दबाव स्ट्रेस ऐसी घटनाओं के प्रति हमारी अनुक्रिया जो हमारी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यशीलता को विघटित कर देती है या विघटित करने की धमकी देती है। दबाव कारक स्ट्रेसर्स हमारे पर्यावरण में वे घटनाएं या स्थितियां जो दबाव उत्पन्न करती हैं। संरचना स्ट्रक्चर किसी जटिल तंत्र या गोचर का चिर अस्थायी स्वरूप एवं संगठन इसकी विपरीतार्थी संकल्पना प्रकार्य है जो इसी संरचना में निश्चित अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रक्रिया है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग सब्सटेंस एब्यूज भाव दशा या व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु किसी मादक द्रव्य या रसायन का उपयोग जिसका प्रतिफल हानिकारक होता है। अनुक्रमिक प्रक्रमण सक्सेसिव प्रोसेसिंग पास मॉडल में संज्ञानात्मक प्रक्रम जिसमें उद्दीपक स्थिति के घटकों पर क्रमिक ढंग से अनुक्रिया की जाती है। पर हम सुपर गो फ्राइड के अनुसार मानुष में विकसित होने वाली अंतिम व्यक्तित्व संरचना यह समाज में सही और गलत के मानकों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसे माता पिता शिक्षकों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। पृष्ठभिषेकों या सील गुण सरफेस ट्रेन आरबी कैटल द्वारा वर्णित परीक्षण योग्य विशेषक घटकों के वे पुंज अनुक्रियाएं जिनकी अवस्थित साथ साथ देखी जाती हैं। सहसंबंधों के कारक विश्लेषण से स्रोत विशेषक प्राप्त होते हैं। सलक्षण सिंड्रोम किसी प्रकार के साथ साथ प्रकट होने वाली लक्षणों या समूह या प्रतिरूपों जो उस विकार के विशिष्ट चित्र या प्रतिनिधित्व करता है। क्रमिक भी संवेदनीकारी सिस्टमेटिक डिस्टिशंस व्यवहार चिकित्सा का एक रूप जिसमें दुर्भीतिग्रस्त सेवार्थी पहले विश्रांत अवस्था की ओर प्रेरित होना सिखाता है और तब उसके समक्ष भय या दुर्भीति उत्पन्न करने वाला उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। चिकित्सात्मक मैत्री या सौहार्द थेरेपेटिक अलायंस चिकित्सा और सेवार्थी के मध्य स्थापित होने वाली विशिष्ट संबंध का संविदागत या अनुबंधित स्वरूप तथा चिकित्सा की सीमित अवधि इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। टोकन अर्थव्यवस्था टोकन इकोनॉमिक क्रिया प्रसूत अनुबंध पर आधारित व्यवहार चिकित्सा का एक प्रकार जिसमें अस्पताल में भर्ती रोगी ऐसे टोकन उपार्जित करते हैं जब वे वहां के कर्मचारियों के मनोकूल वांछित व्यवहार करते हैं। इन टोकनों का विनिमय मूल्यवान पुरस्कारों या वस्तुओं से किया जा सकता है। विशेषकर या सील गुण ट्राइट अनेक प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्त होने वाले अपेक्षाकृत सतत एवं संगत व्यवहार का स्वरूप विशेषक या सील गुण उपागम है। ट्रेंड अप्रोच व्यक्तित्व का ऐसा उपागम है जो व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इसके आधारभूत विशेषकों की पहचान व खोज करता है। समव्यवहार उपागम है ट्रांसेक्शनल अप्रोच इसमें व्यक्ति और उसके पर्यावरण के मध्य की अंतःक्रियाएं सम्मिलित हैं। मानुष्य पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं और बदले में पर्यावरण द्वारा प्रभावित भी होते हैं। अन्यारोपण ट्रांसफेरेंस मनोविश्लेषण करने वाले व्यक्ति की चिकित्सक के प्रति प्रबल सकारात्मक या नकारात्मक भावना है। प्रारूप विज्ञान टाइपोलॉजी व्यक्तियों का अलग अलग कोटियों या प्रारूपों में तर्क संगत संवर्गीकरण जैसे टाइप ए व्यक्तित्व अशर्त सकारात्मक आदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्डेड किसी प्रक्षेप की ओर से बिना इस बात पर ध्यान दिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कहता या करता है उस व्यक्ति को स्वीकार करने और सम्मान करने की अभिवृत्ति। अचेतन अनकॉन्शियस मनोविश्लेषण सिद्धांत में कोई भी ऐसी क्रिया या मानसिक संरचना जिसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती अभिवृत्ति की कण कर्षण शक्ति वायलेंस में एटीट्यूड किसी अभिवृत्ति की सकारात्मक या नकारात्मक होने की स्थिति मूल्य वैल्यूएंस व्यवहार के आदर्श तरीकों या अस्तित्व की अत्यंत व्यवस्था के संबंध में अमिट विश्वास व अभिवृत्तियां जिनका मूल्य परक और का कर्तव्यता पक्ष प्रबल होता है। शाब्दिक परीक्षण वर्बल टेस्टिंग ऐसा परीक्षण जिसमें अपेक्षित अनुक्रियाएं करने के लिए परीक्षण के शब्दों एवं सब प्रत्ययों को समझने और
का प्रयोग करने की योग्यता महत्वपूर्ण होती है। पाठनीय पुस्तक के लिए बहुत सारी पुस्तक दे रखी हैं,